गुड इवनिंग बच्चों। अब हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए आप लोग, रासायनिक अभि परिवर्तन को, यानी परिवर्तन बोलिए या फिर आप अभिक्रिया बोलिए, एक ही बात है। आप परिवर्तन बोलिए या फिर आप अभिक्रिया बोलिए, आप यहाँ अब परिवर्तन की जगह पर क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि, तो बच्चों दो विधि है। एक आपका है ये शब्द समीकरण, ठीक है, ये आपका एक कौन विधि है, शब्द समीकरण, और एक आपका विधि है रासायनिक समीकरण। समझ आ गया, शब्द समीकरण से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ शब्दों का महत्व है। शब्द समीकरण में किसका महत्व है, शब्दों का। ठीक है, यहाँ शब्दों की सहायता से, किसकी सहायता से, ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए पॉइंट बना के हम यहाँ लिख रहे हैं, शब्दों की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से, शब्दों की सहायता से। ठीक, और रासायनिक जो समीकरण है उसमें उसमें हम किसका यूज करते हैं, तो उसे हम लोग यूज करते हैं संकेतों और सूत्रों की सहायता से, संकेतों और सूत्रों की सहायता से। ठीक है, ध्यान रखिएगा सहायता। ठीक है, संकेतों और सूत्रों की सहायता से। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, जो ये दोनों हैं, ये दोनों, ये ठीक है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, संक्षिप्त रूप किसका, अभिक्रिया का। क्या है ये, संक्षिप्त रूप। ध्यान रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया कौन सा रूप है, संक्षिप्त रूप है, कोई कंफ्यूजन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अभिकारक होता है, एक प्रतिफल होता है, एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, प्रतिफल, पता ही होगा। तिरछी अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, जो तिरछी है वो किसको दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा को। ठीक है, अभिकारकों को तिरछी के कहाँ लिखते हैं, बाईं तरफ। ये हम चैप्टर वीडियो 4 में ही बता रखे हैं, लेकिन फिर भी दोहरा रहे हैं। अभिकारकों को तिरछी के बाईं तरफ, ठीक है, प्लस चिन्ह के साथ, किसके साथ, प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, या तो आप पदार्थों का नाम यूज करेंगे या तो फिर संकेत या सूत्र। नाम यूज करेंगे तो हो जाएगा शब्द समीकरण, और संकेत या सूत्र का यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा ये रासायनिक समीकरण। ठीक है, प्रतिफल को तीर चिन्ह के, ठीक है, कहाँ लिखते हैं, दाई दाई तरफ, और इसे भी कौन से साइन का यूज करते हैं, प्लस चिन्ह का। ठीक है, और यहाँ भी किसका किसका यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी हम शब्दों का या फिर संकेत या सूत्र का, शब्द यूज करेंगे तो, शब्द यूज करेंगे तो शब्द समीकरण, और संकेत यूज कर लेंगे तो रासायनिक समीकरण। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए, परिभाषा अगर शब्द समीकरण का लिखा जाए तो यह किसी, यह मतलब यहाँ जो यह है वो किसके लिए है, यह शब्द समीकरण के लिए है। तो यह किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण का सरलतम रूप है। कौन सा रूप है, सरलतम रूप, जिसको हम संक्षिप्त रूप बोल रहे हैं वही हुआ सरलतम रूप। तो शब्द समीकरण का एक सिंपल सा परिभाषा, परिभाषा पढ़ा लिखेंगे तो इसके यहाँ बताइए कि इस विधि में अभिकारकों को प्लस चिन्ह से जोड़कर बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, और उनके आगे एक तीर चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तीर चिन्ह, तो आप यहाँ थोड़ा सा एक चिन्ह बना दीजिएगा, छूट गया है तो यहाँ बना दीजिएगा तीर चिन्ह। ठीक, टीच बनाते हैं, और प्रतिफल को, ठीक है ना, प्लस चिन्ह प्रतिफल को, प्रतिफल को
है चीन के। दाई ओर तीर चिन्ह के दाई ओर प्लस चिन्ह से जोड़कर क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें पदार्थों के शब्दों का बोलिए, या फिर शब्दों ज्यादा अच्छा यहाँ सुटेबल रहेगा, नाम लिख सकते हैं, नामों का, पदार्थों के नामों का। ठीक है, पदार्थों के नामों का प्रयोग करते हैं, पदार्थों के नामों का, नामों क्या करते हैं यहाँ, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, या बोल सकते हैं नामों को लिखते हैं, पदार्थों के सब पदार्थों को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं, आप ये बात बोल लीजिए। ठीक है, पदार्थों को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं, या फिर पदार्थों को नामों, पदार्थों के नामों का प्रयोग करते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये हो गया शब्द समीकरण। आप सिंपल सा परिभाषा अगर देना चाहते हैं एक शब्दों में, तो उसका एक विकल्प है आपके पास, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, देखिए दूसरे शब्दों, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो किसी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के शाब्दिक, ठीक है, नामों की सहायता से, शब्दों में उसका नाम लिखना है। ठीक है, शाब्दिक नामों की सहायता से उस अभिक्रिया का, यहाँ से कॉमा दे दीजिएगा, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण शब्द समीकरण कहलाता है। यानी संक्षिप्त निरूपण करते समय अगर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या समीकरण कहलाता है, शब्द समीकरण। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पर। जैसे मैग्नीशियम, देखिए ये मैग्नीशियम पदार्थ है, मैग्नीशियम को हवा, हवा मतलब ऑक्सीजन में जलाने पर, जलाना की क्रिया हो रही है। ठीक है, जलाने पर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देखिएगा क्या बन रहा है यहाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो शब्द समीकरण में अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया का साइन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका LHS है, यानी अभिकारक। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका क्या है, प्रतिफल, याद रहेगा। चलो हम लोग आते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण, यानी अगर हम संकेतों का यूज कर रहे हैं तो वो रासायनिक समीकरण। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया को उसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों, जिसको हम लोग संकेत भी बोल सकते हैं, और सूत्रों की सहायता से निरूपित निरूपित करने की विधि, क्या करने की विधि, निरूपित करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाता है, या रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में आप बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ठीक है, पदार्थों के संकेतों, ध्यान रखिएगा, संकेतों और सूत्रों की सहायता से, ठीक है, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसा निरूपण, संक्षिप्त निरूपण। ठीक है, चलिए, अगर एक वाक्य में अगर पूछे तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण है, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण है। अगर इसको और भी आप पॉइंट में कुछ बोलना चाहें, जिसमें यहाँ आप जोड़ सकते हैं, जिसमें जिसमें पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता ली जाती है, सूत्रों की सहायता ली जाती है, आप ये बोल सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल को दर्शाने के लिए फिर से ऊपर चलते हैं। यहां मैंने पर देखा कि मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, को हवा में जलाने पर, ठीक है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी बात को हम ये समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, मैग्नीशियम मतलब Mg को हवाएं जला है, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसको हम संतुलित किए हैं, क्यों संतुलित किए हैं, क्योंकि यहाँ दो लगाया था, छूट गया, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि देखिए आप, दो मैग्नीशियम इधर, दो मैग्नीशियम इधर, दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, तो जब भी आप परीक्षाएं समीकरण लिखेंगे तो हमेशा संतुलित रूप में ही
लिखेंगे, असंतुलित रूप में कभी समीकरण को आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा यहां तक, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब रासायनिक समीकरण परीक्षा में आता है। रासायनिक समीकरण किसे करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को याद करना है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, भूलना नहीं है इस बात को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंकाली समीकरण, और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसका, हम लोग पढ़ना है विधि, समीकरण लिखने की विधि, समीकरण लिखने की विधि, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले बार आई मीन की भी पढ़ेंगे कंकाली समीकरण, ये पढ़ना है सिर्फ कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण को ही असंतुलित समीकरण भी बोलते हैं, असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, इतने चीजों को हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आप लोग को याद रहेगा, तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में हम आगे के स्टेप्स को देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।